श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ये सवाल बहुत लोग करते हैं क्योंकि चैनल का नाम अघोर तंत्र रहस्य है और मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं गृहस्थों के लिए साधना देता हूँ। फिर भी बड़ा लाजमी सवाल है कि अघोर है तो मसान है और मसान है तो राख है। तो लोगों को ये जानना होता है कि मसान में साधना कैसे करें या फिर वहां से राख कैसे उठाए। तो एक गृहस्थ के पास जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी मैं आज आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले एक साधक के लिए, एक औघड़ के लिए मसान क्या होता है ये समझिए। उससे पहले समझिए औघड़ किसको कहते हैं। आम भाषा में लोग समझते हैं कि जो मसानी क्रिया करे, काले कपड़े पहन के जो चिताओं पे हवन करे, उनको औघड़ बोला जाता है। लेकिन शास्त्रों में चले जाएं तो जो भी भैरव के नाम का चढ़ा हुआ प्रसाद का भोग करता है वो औघड़ होता है। उसके बाद औघड़ सिद्ध हो या औघड़ साधक हो वो अलग चीज़ हो जाती है। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं लेकिन सनातनी हम सब हैं, उसी तरीके से जो भी भैरव का भोग करता है, भैरव का प्रसाद खाता है, वो औघड़ होता है। दूसरा, श्मशान क्या होता है। सिद्ध साधनाओं के लिए श्मशान एक साधना का क्लाइमेक्स होता है। श्मशान में जो औघड़ साधक हैं, जो घोर साधक हैं, वो कम से कम समय व्यतीत करते हैं साधना करने में, क्योंकि जो महाकाल और महाकाली की जो छवि जिसकी साधना होती है वो प्रेम मुद्रा में श्मशान में विराजते हैं। और हम साधक महाकाल और महाकाली के बच्चे हैं, तो ऐसे स्थान पर कम से कम समय रहना, यही तंत्र विद्या और मति दोनों कहती है। अब आते हैं कि हम कैसे साधनाएं करें। सबसे पहले जब आप मसान जाते हैं तो आपको ये समझ करके जाना है कि आप किस शक्ति की साधना के लिए जा रहे हैं। आप अगर किसी प्रेत शक्ति की साधना के लिए जा रहे हैं तो सीधे मसान में जाएं और बिना किसी बंधन को किए साधना शुरू करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए यह है कि आपका खूंटा मजबूत होना चाहिए, आपके गुरु का दिया हुआ ज्ञान और सुरक्षा बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। होता क्या है कि अगर आप एक ही लय में साधना करते हैं, मतलब आपको पता है श्मशान जाना है तो पहले आसन बंधन करेंगे, फिर शरीर का बंधन करेंगे, फिर दसों दिशा का बंधन करेंगे, उसमें क्या होता है कि कई बार आप ऐसे बंधन कर देते हैं जो बंधन जिन शक्तियों का आप प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, जिन शक्तियों की आप कृपा पाना चाहते हैं, उन शक्तियों से बड़ी शक्ति होती है जिससे आप बंधन कर देते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी बताया था कि जब मैं जोगनी की साधना कर रहा था तो मैं तो साधक आज भी हूँ तो चीज़ें पता चलती हैं तो उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो मैंने बंधन लगा दिया था, दे बंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार, सोलो सती जागनी डाकनी जोगनी बंधो दिए लोहार गलाए हार। और उसके बाद जो हमारे गुरु थे वो कहीं बैठे थे, उनको मैंने बताया कि सवा घंटा तो मैंने किया, मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। तो उन्होंने पूछा कहाँ किया, तो मैंने बताया कि मैंने अपने धुने पे किया। और क्या किया, तो मैंने ऐसा ऐसा बंधन किया। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, ना बंधन करना है आपको, ना अपने सिद्ध धुने पे इस साधना को आप कर सकते हैं, क्योंकि जोगनी की जो शक्ति है उससे बड़ी शक्ति आपने उस हवन कुंड में और आपके बंधन दोनों में रखी हुई है, तो जोगनी शक्ति आपके पास आएगी नहीं। तो फिर एकांत स्थान पर बिना बंधन के, बिना अपने सिद्ध धुने के मैंने जोगनी शक्ति का आह्वान किया और उसका आभास हुआ। तो जब आप मसान में क्रिया करने जाते हैं
तो जो काली और भैरव जी की साधना करने जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो महादेव की साधना महाकाल की साधना करने जाते हैं उनके लिए ठीक है, वो बंधन करके साधना कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा शक्ति वहाँ नहीं विराजता है जो आपको प्रत्यक्षीकरण देगा। लेकिन जो प्रेत साधना करने जा रहे हैं, निम्न स्तर की साधना करने जा रहे हैं, वो चुपचाप जाएं वहाँ पृथ्वी पर बैठें और साधना करें। जो माँ भगवती की साधना, महाकाल की साधना या भैरव जी की साधना करने जा रहा है या किसी और देवता की साधना करे, जैसे मरकट मरकट आए मतलब हनुमान जी की साधना हो रही है, या फिर कोई भी शमशानी देवी देवता की साधना हो रही है, तो फिर वो बंधन लगा सकता है। बंधन ऐसा लगाए जो कि उससे निम्न देवता की हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पर हवन कुंड, आपने हवन कुंड सजाना है या अपने स्थान पर हवन कुंड लाना है और वहाँ से आपको लकड़ी चाहिए या आपको श्मशान का राख चाहिए, तो कभी भी सीधे राख नहीं उठाते हैं। ऐसे गुरु और गुरु परिवार भस्म के का मंत्र देते हैं, तो उस भस्म के मंत्र को पढ़िए, लेकिन साथ में जब भी आप मशान से कुछ उठाते हैं, भले एक पत्थर क्यों ना हो, तो उस पत्थर को, पत्थर के बारे में बाद में बताऊंगा, जब आप भस्म उठाते हैं या आप लकड़ी उठाते हैं, तो कभी भी बिना द्रव्य दिए नहीं लेना चाहिए। श्मशान से कोई भी चीज़ को मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, उसके जगह पर कुछ डाल दीजिए। अगर आप कोई बड़ी शक्ति की साधना करने जा रहे हैं, तो कायदा यह है कि आप मसान घुसने से पहले उसका जो गेट होगा, जो द्वार होगा, वहाँ खड़े होकर के 3 बार जोर से चुटकी बजाएंगे और 3 बार ताली बजाएंगे। इससे ये जो अनवांटेड शक्तियाँ हैं वो वहाँ से हट जाती हैं, जिनका वहाँ पे कार्य नहीं है, या फिर जिनके अस्तित्व को खतरा है आपके मंत्र जाप से, ठीक है। तो जो बड़ी शक्तियों की साधना करने जा रहे हैं, वो द्वार पर चुटकी 3 बार, 3 बार ताली बजा के अंदर घुसें। लकड़ी उठानी है और या भस्म उठाना है, तो वहाँ द्रव्य रखें, मंत्र पढ़ें, तब उस सामग्री को उठाएं। बहुत लोग मसान के पत्थर को देवी देवता के रूप में पूजने के लिए ले जाते हैं, बहुत जगह होता है, बहुत सारे भैरव के स्वरूप हैं जिनको आप मसान से उठा के जो पत्थर आता है उसी पे उनको पूजा किया जाता है। वैसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप बिना निमंत्रण दिए किसी भी पत्थर को या किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को मसान का वो उठा के नहीं ले जा सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो पहले आप वहाँ पर एक दिन पहले जाकर के निमंत्रण दें। निमंत्रण पान के पत्ते से दे दिया जाता है सुपारी के साथ, कि मैं आपको कल ले जाऊँगा, आप कल तैयार रहना, ठीक है। तो भस्म के बारे में जान गए आप, लकड़ी के बारे में जान गए। वहाँ पर जब आप हवन करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हवन सामग्री के अलावा आप बैठने का सामान नहीं लेके जाएंगे, कोई आसन नहीं लेके जाएंगे। आसन नहीं है तो ऐसे बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर जो वहाँ कफन या फिर जो छोड़ के जाते हैं लोग, वही आप सामान को प्रयोग करेंगे बैठने के लिए, ठीक है। लकड़ी आपको चिता की लकड़ी का प्रयोग करना है। अगर आप लकड़ी लेके जाते हो तो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि चिता की लकड़ी में ही आप हवन करें, अगर आप मसान में आप हवन कर रहे हैं। एक और बहुत इसमें गौर करने वाली बात है कि मान के चलो आप 10 किलो हवन सामग्री ले गए, 10 लोग थे, 10 किलो लेके चले गए, खर्च आपका 2 किलो हुआ, हवन सामग्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो किसी भी हालत में वहां से कोई सामग्री आप वापस नहीं ला सकते हैं। आपका बच गया चाहे तो आप वहां छोड़ दीजिए, कोई और साधक आएगा तो साधना करेगा, या फिर आपको वहां पर उस हवन सामग्री को अपने हवन में डाल के ही निकलना है, छोड़ के आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। जब हवन करके आप बाहर निकलते हैं श्मशान से, तो आपके हाथ में पीली सरसों होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो जब आप हवन करके निकले, तो वहाँ जो है नदी है, चापानल है, या फिर वहाँ पर कुआं है, उससे अपने हाथ पांव को ठीक तरीके से धो लें। बिना हाथ पांव को धोए वहाँ से नहीं निकलेंगे, और हाथ में पीला सरसों ले, और जिस भी आप वाहन से आए हैं मसान से निकलते हुए, उस वाहन पे चढ़ते तक आपको वो पीला सरसों छोड़ना है, जब तक आप रोड तक ना चढ़ें। तो ये छोटा मोटा विषय है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप मसान में हवन करते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड़
साधना ग्रुप से जुड़ना है, जिनको बेसिक साधना सीखनी है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना के शुरुआती आयाम है, जैसे यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, आसन बंधन, दिग बंधन, ये सब हम आपको सिखाते हैं। जिनको और सब जानकारियाँ चाहिए वो www.अघोरतंत्रहस्य पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अघोर उसमें rudranath@cm4 आपको मिलेगा, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महादेव महाभैरव आपकी हर साधना में रक्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।